सब्सक्राइब कीजिए इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो बस यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। भारत के सर पर ताज की तरह सजा हुआ कश्मीर चारों तरफ से भी सुंदर पहाड़ों से ढका हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज जितनी सुंदर होती है शायद उतने ही ज्यादा लोग उसे पाने की लालसा रखते हैं। इसीलिए 1947 के बाद यानी कि आजादी से अब तक भी पूरा कश्मीर कभी भारत का नहीं हो सका। लेकिन आखिर भारत में होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? क्या हुआ था उस समय जिसने कश्मीर को एक ऐसी समस्या बना दिया जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक जारी है? आखिर कौन इस कश्मीर समस्या का जिम्मेदार था और क्यों पाकिस्तान अपना अधिकार आज भी भारत के कश्मीर पर समझता है? तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको आज वो सब कुछ पता चलेगा कि कैसे ये कश्मीर की समस्या आखिर शुरू हुई और क्यों ये अभी तक चल रही है। तो मौजूदा कश्मीर समस्या के बारे में शुरू करने से पहले आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। मौजूदा जानकारी के अनुसार कश्मीर एक समय में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के बाद कुशांस ने कश्मीर पर शासन किया और उस समय वो बुद्धिज्म का भी एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। 5वीं से 14वीं शताब्दी तक लगभग सारे हिंदू डायनेस्टीज ने कश्मीर पर शासन किया और 14वीं शताब्दी के समय इस्लाम कश्मीर में आया था, जिसके बाद वहां की ज्यादातर जनता इस्लाम में कन्वर्ट कर गई और वहीं से सल्तनत ऑफ कश्मीर की शुरुआत होती है। तो जैसा कि उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो कश्मीर को भी राजा ही संभालते थे। उसके बाद भी कई सालों तक कश्मीर में मुगल्स ने, फिर अफगानों ने और आखिर में सिखों ने महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में कश्मीर में राज किया। लेकिन 1846 में ब्रिटिशर्स ने डोगरा रूलर्स की मदद से सिखों को हराकर कश्मीर को डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया और तब से लगभग 100 साल तक यानी कि भारत की आज़ादी तक डोगरा रूलर्स ने ही कश्मीर पर शासन किया। आखिरकार 100 साल बाद यानी कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही भारत दो हिस्सों में भी बढ़ गया। उस समय कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का रूल था, लेकिन राजा हरि सिंह ने उस समय किसी भी देश के साथ जाने से मना कर दिया, यानी कि वो ना ही हिंदुस्तान के साथ आना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। वो चाहते थे कि कश्मीर न्यूट्रल रहे। लेकिन भारत में आजादी के साथ साथ लोकतंत्र भी आया था, मतलब अब भारत में राजा नहीं बल्कि प्रजा का शासन होना था। इसी लोकतंत्र के लिए 1931 से शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी कश्मीर में कार्यरत थी। वो चाहते थे कि कश्मीर में भी डेमोक्रेसी आए, भले ही वहां पर राजा का शासन हो लेकिन उनके पास ही सारी ताकतें ना हो जैसा कि इंग्लैंड में होता है। उस समय इस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट था क्योंकि वो भी देश में लोकतंत्र चाहते थे। आखिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर को पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उस समय कश्मीर में 70% आबादी मुस्लिम थी और उनकी टू नेशंस थ्योरी ने ही परोक्ष रूप से भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि महाराजा हरि सिंह न्यूट्रल रहना चाहते थे, वो ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, इसलिए उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया जिसमें ये मेंशन था कि कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते यथावत रहेंगे, यानी कि पूरा व्यापार और रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। ठीक एक ऐसा ही एग्रीमेंट महाराजा भारत के साथ भी साइन करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं हो पाया। भारत और कश्मीर के इस एग्रीमेंट पर बात चल ही रही थी
कि जम्मू कश्मीर के पुंज एरिया में कुछ रेबिलियंस ने राजा की आर्मी के खिलाफ बगावत कर दिया और इसे देख राजा की आर्मी ने कुछ लोगों पर फायर कर दिया, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो गई और वहीं से इस चिंगारी को और बढ़ने का मौका मिल गया। उसके बाद पुंज में ये बगावत बड़े स्तर पर शुरू हो गई और साथ ही एक कम्युनल वायलेंस भी कश्मीर में मुस्लिम आबादी के खिलाफ शुरू हो गया, जिससे अपनी जान बचाकर कई मुस्लिम पाकिस्तान में जाकर छुप गए। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को पश्तून फाइटर्स की मदद से कश्मीर की घाटी पर हमला करवा दिया। ये हमला बारामूला से होते हुए पूरे श्रीनगर तक हुआ और साथ ही दूसरी तरफ से पुंज से भी हमला किया गया था। हमला होने की वजह से महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगने आए, लेकिन भारत ने यह शर्त रखी कि अगर भारत अपनी सेना भेजेगा तो कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। और आखिरकार 26 अक्टूबर 1948 को महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, जिससे ऑफिशियली कश्मीर भारत का हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का तर्क था कि ये साइन प्रेशर में आकर किया गया है, साथ ही राजा का सिर्फ एक साइन वहां की जनता की इच्छा को व्यक्त नहीं करता है कि वो भारत में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ते वक्त जो रूल बनाए गए थे उनके हिसाब से ऑफिशियली अब कश्मीर भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान के इस तर्क का जवाब देते हुए ये कहा गया कि ये एक्सेशन अभी टेम्पररी है और एक बार शांति हो जाने के बाद वहां चुनाव करवा कर जनता की राय को भी जरूर सुना जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और शेख अब्दुल्ला ने भी इस एक्सेशन का पूरा सहयोग किया था और उसी समय शेख अब्दुल्ला को एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड बना दिया गया था और महाराजा ने अपने हाथ एडमिनिस्ट्रेशन से खींच लिए थे। भारत में इस एक्सेशन के साइन होते ही भारत ने अपनी आर्मी कश्मीर में भेज दी और भारतीय सेना ने पूरे दमखम से लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया और तभी भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहली लड़ाई हुई थी। भारतीय सेना ने पुंज, रजौरी आदि के एरिया अपने कब्जे में ले लिए थे। लड़ाई चल ही रही थी कि अचानक कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में एक कठपुतली सरकार बनाकर उस हिस्से ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उस हिस्से को आजाद कश्मीर नाम दिया गया। आज भी कश्मीर का वेस्ट का वो हिस्सा आजाद कश्मीर के नाम से ही जाना जाता है और वो पाकिस्तान में ही एडमिनिस्टर होता है। लड़ाई के बाद 1948 में भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस गए, जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया। साथ ही यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया, जिसको रेजोल्यूशन 47 के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः तीन बातें कही गई थी, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान को अपने लोगों और आर्मी को कश्मीर के एरिया से हटाना था। पाकिस्तान के ऐसा करने के बाद भारत को भी अपनी आर्मी को कश्मीर से हटाना था और सिर्फ उतनी ही फोर्स वहां पर रखनी थी जिससे वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। और दोनों देशों के आर्मी के हट जाने के बाद वहां पर एक प्लेबिसाइट यानी कि एक तरह की वोटिंग करवाई जानी थी, जिससे वहां की जनता की राय को सामने रखा जा सके। ये आर्टिकल 47 मानना या न मानना पाकिस्तान और भारत की मर्जी थी और हुआ भी वैसा ही जिसका अंदाजा था। 1948 से अब तक पाकिस्तान ने अपने लोग और आर्मी वहां से हटाई ही नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि अगर वो अपनी आर्मी को कश्मीर से हटाता है तो भारत अटैक करके कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेगा। और भारत का भी यही कहना है कि रेजोल्यूशन के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी आर्मी कश्मीर से हटानी होगी, तभी जाकर भारत अपनी आर्मी कश्मीर से हटाएगा, जैसा कि रेजोल्यूशन 47 में कहा गया था। रेजोल्यूशन 47 के नहीं मानने की वजह से तभी से ये स्थिति यथावत बनी हुई है और क्योंकि दोनों आर्मी कश्मीर में ही आमने सामने खड़ी है, इसलिए वहां पर एक इमेजिनरी बॉर्डर बन गया है। ये वैसे ऑफिशियली कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सबसे पहले 1972 में शिमला अकॉर्ड्स में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC का नाम दिया गया था और शिमला अकॉर्ड्स में एक और चीज तय करी गई थी
कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को आपस में ही सुलझाएंगे, यानी कि कोई भी तीसरी पार्टी या पक्ष इसमें बीच में नहीं आएगा, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस भी नहीं। 1948 में यूनाइटेड नेशंस से ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद में 1948 में ही आखिरकार शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या फिर कहें तो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और उसी समय शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर ने मिलकर एक आर्टिकल ड्राफ्ट किया, जिसे आर्टिकल 370 के नाम से जाना जाता है। और अब ये आर्टिकल फिलहाल कश्मीर से खत्म हो चुका है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल था जो कि कश्मीर को कुछ स्पेशल अलाउंसेस देता था, लेकिन वो टेम्पररी था। जी हाँ, टेम्पररी शब्द वहाँ पर यूज किया गया था, मतलब इसे चाहे तो कभी भी खत्म किया जा सकता था। ये टॉपिक भी हमेशा से ही उठ रहा था कि 370 को रखा जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कई लोग उस वक्त आर्टिकल 370 के खिलाफ थे, जिसमें बीआर अंबेडकर भी शामिल थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले बीआर अंबेडकर ने आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि यह भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। खैर, अब ये आर्टिकल फिलहाल कश्मीर से खत्म हो चुका है। 1948 से लेकर 1953 तक शेख अब्दुल्ला ने स्पेशल राइट्स के साथ कश्मीर के प्रधानमंत्री का कारोबार संभाला, लेकिन 1953 में उन्हें पीएम की पोस्ट से हटाकर अगले 11 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने ही करवाया था। 1964 में अब्दुल्ला की रिहाई के बाद नेहरू ने उन्हें पाकिस्तान भेजा और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर फिर से बातचीत शुरू करना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद से ये बातचीत लगभग पूरी तरह से रुक गई। लेकिन कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से तब गर्मा गया जब 1962 में चाइना ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1965 में एक बहुत बड़ा एरिया शक्षगाम वैली का चाइना को गिफ्ट कर दिया। भारत को ये बात काफी नागवार गुजरी और होना भी चाहिए था, क्योंकि एक बच्चे जैसी हरकत करते हुए पाकिस्तान ने उस मुद्दे में तीसरी पार्टी लाकर खड़ी कर दी, जो मुद्दा सिर्फ भारत और पाकिस्तान का था। लेकिन उस समय कश्मीर के अंदर के हालात कुछ और ही थे। शेख अब्दुल्ला अब भी प्लेबिसाइट की मांग पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा और 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड्स में आखिरकार उन्होंने अपनी प्लेबिसाइट की मांग छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त तक 1948 के मुकाबले कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। उनकी ये मांग छोड़ते ही वो चुनाव के बाद 1974 में फिर से कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और अगले 9 सालों तक वो ही कश्मीर के सीएम रहे। और 1982 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा अभी भी ऐसा था जो कि किसी के अंडर में नहीं था, और वो था सियाचिन। सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियर्स में से एक है। और 1984 में भारत को पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी सियाचिन में कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद भारत ने अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तान से पहले ही भारत ने सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। सियाचिन इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, साथ ही सियाचिन स्ट्रेटेजिकली भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर सियाचिन पर भारत का कब्जा ना हो तो अक्साई चिन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर काफी हद तक एक दूसरे के पास आ सकते हैं। और अभी इस वक्त सियाचिन में मौजूद भारत की आर्मी ने उन्हें अलग कर रखा है। पाकिस्तान भी इसीलिए सियाचिन पर कब्जा करना चाहता है। और 1999 में करगिल के युद्ध के समय पाकिस्तान का एक उद्देश्य सियाचिन पर कब्जा करना भी था। तो चलिए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि कश्मीर आखिर क्यों एक विवाद का विषय बना, लेकिन कश्मीर की आज की मौजूदा हालात कैसे हुई, आज आखिर कश्मीर में इतनी अशांति और आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं? तो ये सब शुरू हुआ 1980 के दशक के कुछ आखिरी सालों में। 1987 में कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए और ऐसा कहा जाता है कि इन इलेक्शंस में भारी गड़बड़ी की गई थी ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की
कोएलिशंस वाली सरकार जीत सके। और ऐसा हुआ भी, उस सरकार की कश्मीर में भारी बहुमत से जीत भी हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट्स आए, उस चुनाव के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। आए दिन वहां पर स्ट्राइक्स होने लगी और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक होने लगे, ये साथ ही हिंसक भी होते चले गए। इस हिंसक गतिविधियों को देख पाकिस्तान ने इनका गलत फायदा उठाया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को इन प्रोटेस्ट से जोड़ इसे कश्मीर की आजादी से जोड़ दिया। और तभी से ये हिंसा कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने वहां पर हिंसा और दंगे शुरू कर दिए। कई लोगों को वहां पर मार दिया गया और साथ ही टेररिस्ट अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट भी कश्मीर में शुरू हो गए। पाकिस्तान का मेन फंडा था कि वो कश्मीर के जवान लोगों को एलओसी के पार भेज ब्रेन वॉश कर उन्हें ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाता था और इसे पाकिस्तान के आईएसआई और सेना का पूरा सहयोग मिलता था। भारत सरकार ने कश्मीर में बढ़ते इस हिंसा को देख वहां पर एक नया गवर्नर भेजना चाहा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि अगर वहां पर नए गवर्नर भेजे गए तो वो सत्ता छोड़ देंगे। और हुआ भी ऐसा ही, कश्मीर की सरकार लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई और वहां लगभग लॉलेस कंडीशंस बन गई। इसी बीच जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी में मौजूद माइनॉरिटी यानी कि कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। 2 से 3 महीने के अंदर ही 200 से 300 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और किसी का शासन ना होने की वजह से खुलेआम लाउड स्पीकर में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलने लगी कि अगर उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा तो उन्हें मार दिया जाएगा। जिस वजह से 19 से 20 जनवरी की रात को 2.5 से 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने एक साथ कश्मीर घाटी छोड़ दी और आज तक ये लोग गरीबी में अपने दिन गुजार रहे हैं। लेकिन आज तक भी आतंकवादियों को कश्मीर में पाकिस्तान का पूरा साथ मिलता है और आज भी कई बार आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी में देखने और सुनने को मिलती हैं। भारत सरकार आज भी कोशिश में लगी है कि कश्मीर में शांति लाई जा सके और इसलिए वहां पर आर्टिकल 370 भी खत्म किया जा चुका है, क्योंकि वहां के आम लोगों से ज्यादा इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल वहां के आतंकवादी अपने आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाने के लिए कर रहे थे। साथ ही पूरे कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट दिया गया है। खैर, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जिसका इतिहास इतना सुंदर रहा हो, मौर्य साम्राज्य से लेकर जिस घाटी ने लगभग हर साम्राज्य को देखा हो, वो फिर से जल्द धरती का स्वर्ग बने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।